स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम IAS पर, और मैं हूँ रिचा। इसमें हम हिस्ट्री की NCERT देख रहे हैं। ये क्लास सिक्स की NCERT है, जो आज का हमारा, हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए, तो आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है हमारे चैनल में मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने हमारे राम IAS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अध्याय 3 यानी चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे, संग्रह से उत्पादन तक। मतलब इस चैप्टर के मीनिंग को समझिए। पहले के जो ह्यूमंस होते थे वो क्या करते थे, संग्रह करते थे, यानी उत्पादन नहीं करते थे, चीज़ों को जंगलों से ढूंढ ढूंढ कर लाते थे। लेकिन अब जो पीपल्स थे, इंसान थे, वो उत्पादन करने लगे थे वस्तुओं का, गुड्स का। तो अब यही मीनिंग है कि जो पीपल पहले संग्रह करते थे, उनकी जो लाइफ है वो संग्रह से उत्पादन तक हो जाती है। तो उसी चीज़ को अब ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो आपके लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट, आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के भोजन। विभिन्न प्रकार के भोजन का मतलब है कि अलग अलग। अब देखिए हर जगह क्या है, अलग अलग पशु पाले जाते थे, अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अब अलग अलग पशु पाले जाते थे और फसलें उगाई जाने का कारण सिर्फ जलवायु होता है, यानी जहाँ जैसी जलवायु है उस हिसाब से लोग फसलें उगाते हैं। अब आपने देखा होगा कि कहीं के लोग काले होते हैं ज़्यादा, कहीं के लोग गोरे होते हैं, तो वो सब जलवायु का फर्क हो जाता है। उसके बाद अलग अलग, ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम ले लें, आपको धान की खेती करनी है यानी चावल की खेती करनी है, तो चावल धान से ही निकलता है, धान को पिसाया जाता है चक्की में, उसके बाद उसमें से चावल निकलता है। तो चावल की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और धान के कारण ही इंडिया में जो वाटर की कमी हो रही है वो धान की खेती के कारण ही हो रही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है और इसी कारण पानी की कमी हो रही है। तो ये एक फैक्टर है जो सभी को भी पता होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि किसान जो है वो अलग अलग फसलें उगाते हैं और अलग अलग पशुओं को भी रखते हैं। उसके बाद स्त्री पुरुष क्या भोजन उत्पादन करते थे, कैसे करते थे, क्या चीज़ें होती थी, ये आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। उसके बाद खेती और पशुपालन की शुरुआत तो आखिर कैसे होती है, चैप्टर 2 में आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि जलवायु बदलती रहती है। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें ये बात बताई थी कि जलवायु में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्टेड भी होते हैं और काफ़ी सारी न्यू चीज़ें भी डेवलप होती हैं। तो वो उन्हीं न्यू चीज़ों में, जैसे लोग जो थे वो वनस्पतियों और पशुओं को पहले क्या करते थे, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, और जब जहाँ पर रहते थे वहाँ पे जो चीज़ें थी वो ख़त्म होने लगती थी तो वो अपने प्लेसेस धीरे धीरे चेंज करने लगते थे। यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान देना होगा, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे मिल सकते हैं, तो ये चीज़ें लोग इकट्ठा करते थे। फिर धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, लोग जैसे अपने फ्रूट खाया, अपने बनाना खाया, वो बनाना की अपने गुठली जो होती है, अंदर का जो पार्ट होता है, बीज जो होता है उसका, वो फेंक दिया। अब उसमें क्या हो गया, अंकुर आना स्टार्ट हो गया, जिससे क्या पौधा निकलना चालू हो गया। अब लोगों ने क्या किया, वो पौधा अब किसी के आसपास, आपके आसपास कोई न्यू चीज़ होगी ना जो आपने देखी नहीं होगी, ये आपके साथ फर्स्ट टाइम हो रही होगी, तो आप क्या होते हैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो सेम उन्हीं ह्यूमंस के साथ भी हुआ, वो चीज़ें उनके लिए नहीं थी स्टार्टिंग में, जब पौधों में अंकुर आना स्टार्ट हुआ तो वो ह्यूमंस के लिए नहीं थी। उसके बाद चिड़ियों और जानवरों, जब पौधों धीरे धीरे ये डेवलप होने लगे तो ये सब ह्यूमंस के लिए न्यू थे, तो उन्होंने इनकी सुरक्षा करनी स्टार्ट कर दी, और फिर धीरे धीरे लोगों के पास जानकारी हासिल होती गई, लोगों ने जानकारी वो इस्टेब्लिश करनी चालू की, तो धीरे धीरे कृषि करनी चालू की, और फिर लोग जो थे वो कृषक बन गए।
लोग जो थे फिर अब देखिए पशुपालन अगर करने लगे तो पशु जो खाते हैं उस चीज़ की भी ज़रूरत होगी। अब पशु क्या खाते हैं, पत्तियाँ वगैरह खाते हैं, तो लोगों ने अपने आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना स्टार्ट किया और पालतू बनाना स्टार्ट किया। जो ऑलरेडी उनके पास जानवर थे तो उसके लिए भी चारा की ज़रूरत पड़ती है। अब लोग जो थे, आखिर सवाल ये उठता है कि ये वैसे काम तो उनका तब भी चल जाता था जब वो जंगलों में इधर उधर भटक कर वो करते थे, अपने लिए खाना संग्रह करते थे। लेकिन देखिए जैसे हमें आज भी हम देखेंगे हमारे पास पंखे, गर्मी में पंखे से भी काम चल जाता है, लेकिन फिर अगर हमारे पास थोड़ा पैसा आता है तो हमारा पंखे से काम नहीं चलता, हमें लगता है कि हमें कूलर मिलना चाहिए। उसके बाद और ज़्यादा पैसा आने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार अब कूलर से भी काम नहीं चल रहा, अब हमें एसी की ज़रूरत है, गर्मी ज़्यादा होने लगी है। तो सेम इन ह्यूमंस के साथ भी ऐसा था, ये ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ें मिलती जाती हैं तो उससे और आगे की लालसा बढ़ती जाती है। तो सेम इन्हें ह्यूमंस के साथ हुआ और इन्होंने कृषि करना और पशुपालन करना स्टार्ट किया। आज भी आप प्रेजेंट टाइम में भी देखेंगे तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जो ह्यूमंस है वो और आगे की टेक्नोलॉजी में लगी हुई हैं ताकि उनकी जो लाइफ है और आसान बन सके। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता था, ये चीज़ याद रखिएगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक लाने लगे और पालने लगे। उसके बाद धीरे धीरे लोग ये जो जानवर थे जो पालना स्टार्ट किए थे, ये ज़्यादातर जो जानवर थे वो घास खाते थे और अक्सर जो लोग होते थे जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी क्या है कि मतलब वो आक्रमण ना कर सके जंगली जानवर, इसलिए भी इन्हें पालने लगे थे, यानी अपनी सुरक्षा के हिसाब से इन्हें पालने लगे थे। तो अब जो लोग थे वो देखिए क्या हो गए, पशुपालन हो गए। अब एक ब्रैकेट के अंदर टॉपिक दिया हुआ है बसने की प्रक्रिया, यानी धीरे धीरे लोग जो थे वो कैसे एक जगह बसने लगे। तो देखिए एक जगह ऐसे बसने लगे कि क्या करते थे, पहले लोग जो थे वो इधर से उधर भटकते थे, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा कृषि स्टार्ट किया, पशुपालन स्टार्ट किया। तो जब इंसान कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर देगा तो उसके पास जो चीज़ें होंगी उसकी उसे सुरक्षा करना है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहेगा तो उसके पास वो जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। तो जैसे अब लोगों ने जंगली जानवरों को अपने साथ रखना स्टार्ट किया और कृषि करना स्टार्ट किया, जैसे पौधों और जानवरों का चयन लोग करने लगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो पौधों और जानवरों का जो चयन करते थे उनके जिससे उनके बीमार होने की संभावना जो थी वो क्या हो, कम हो या बिल्कुल नहीं हो। पेड़ों में लोग उन्हीं पेड़ों का चयन करने लगे जिनमें जो अब बड़े दाने पैदा होते थे, यानी अनाज जो था वो ज़्यादा पैदा होता था। और इसमें मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि नोट्स हो सकता है अभी आप लोगों को थोड़ा डिले हो मिलने में, तो आप लोग खुद भी ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगे आप लोग खुद भी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ है नहीं और मैं इसमें वही चीज़ें बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद लोग जो थे वो कई जानवरों को ऐसे भी पालने लगे जो अहिंसक होते थे और कृषि वगैरह में अपनाए जाते थे, पौधों में क्या करते थे, हेल्प करते थे। उसके बाद बसने की जो प्रक्रिया थी वो लोगों की धीरे धीरे चलती गई और ये करीब 12,000 साल पहले ही शुरू हुई थी। और आज हम जो भोजन करते हैं वही क्या है, बसने की प्रक्रिया की वजह से है। जैसे मैंने आपको बताया लोग अनाज वगैरह डेवलप करने लगे थे, कृषि करने लगे थे, जिस पशुपालन करने लगे थे, जिससे उनकी जो लालसा है वो धीरे धीरे बढ़ते गई। तो लोगों ने खट्टा स्टार्ट करना चालू किया और सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। उसके बाद एक नवीन जीवन शैली, नवीन जीवन शैली का मतलब एक नई प्रकार की कला इन्होंने डेवलप की। अब जैसे इन्होंने इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। तो सेम यही एक कला थी, जैसे कुछ टाइम, कुछ दिन, महीने या फिर कुछ साल लग गए होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने चीज़ों को डेवलप करना या इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने,
जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा, यानी बहुत सारे काम जो थे इसमें शामिल थे, सभी प्रकार की जो चीज़ें थी वो भी शामिल थी। उसके बाद कटाई के बाद अनाज का उपयोग इन्होंने बहुत संभाल कर करना स्टार्ट किया और अनाज को भोजन के रूप में भी स्टार्ट करना चालू कर दिया। अब जैसे हम क्या करते हैं, खेती करते हैं गांव में भी, आज भी जैसे खेती की जाती है, या जैसे हम लोग भी कभी जाते हैं, जो भले ही हम लोग शहर में पले बढ़े हैं या शहर में रहे हैं, लेकिन जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा नेटिव प्लेस है, वो कहीं ना कहीं किसी रूरल एरिया से आता है। तो सेम जैसे हमारी दादी लोग के आज भी कह देती हैं कि ये अब जैसे मान लीजिए चना है, अब चना गर्मियों के मौसम में आता है कट कर, तो अब बीज बनाकर उसका क्या है, उस नेक्स्ट टाइम के लिए रख दिया जाता है। अब बीज बनाकर क्यों रख दिया जाता है, ताकि जो फसल है वो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से हो, उसमें कीड़े वगैरह ना लग जाए। तो सेम इन्होंने भी यहाँ भी ये बताने का मोटिव मेरे सिर्फ इतना सा है कि इन ह्यूमंस ने भी ऐसे ही करना स्टार्ट किया, जितनी इन्हें ज़रूरत होती थी उतना ये अनाज खाते थे, अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग रख लेते थे, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद इन्होंने एक न्यू टर्म डेवलप किया, बीज। अब बीज के ये लोग क्या करते थे, इन्होंने दोनों रूपों में बनाकर रखना आवश्यक होता था, फिर इन्होंने भंडारण की सोची। अब देखिए बीज ये लोग अगर रखेंगे तो उसे सहेजने के लिए कोई एक ऐसा बर्तन या कुछ तो चाहिए। तो बहुत से इलाकों में क्या किया गया, लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ये उन्होंने एक प्रोसीजर अपनाया उसे जो बीज थे उसे कंज्यूम करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। क्या क्या मेथड थे, उन्होंने जो मिट्टी के बर्तन थे उन्हें बनाए, टोकरियां बुनी और ज़मीन में गड्ढा खोदा, और लोग अब वो करने लगे थे, चीज़ों को पाल इकट्ठा करके रखने लगे थे। उसके बाद जो जानवर थे वो चलते फिरते खाद भंडार थे। मतलब चलते फिरते खाद भंडार थे, इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, तो यानी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। अब जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ते जाती है, फर्टिलाइजेशन होता है और मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चे होते हैं लोगों के। तो सेम वैसे जानवरों में भी प्रोसेस होता है, ये नेचुरली प्रोसेस है। तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं, जानवरों की भी संख्या बढ़ती गई। तो अब ह्यूमंस ने ये भी सोचा कि अगर जानवरों की भी किसी के पास एक जानवर था, अब उस जानवर ने एक और बच्चा दिया, इस तरीके से दो हो गए, दो से तीन हो गए, तीन से चार हो गए, तो ऐसे जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो अब ह्यूमंस ने क्या सोचा कि ये अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक तो अगर कोई दुधारू जानवर है, जैसे गाय हो गया और भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये जानवर दूध देते हैं, तो अगर ये जानवर दूध देते हैं तो दूध भी तो दुगना होगा। ये चीज़ इन्होंने सोची, जो कि भोजन का क्या हो जाएगा, एक अच्छा स्रोत हो जाएगा, और इन्हीं जानवरों से उन्हें पीपल्स को मांस भी मिलता है, इसीलिए इन्होंने, और इन्होंने ये भी सोचा कि भंडारण का भी तरीका इनसे किया जा सकता है, इसीलिए इन्होंने चलता फिरता भंडारण बताया पशु को। नेक्स्ट है, आओ आरंभिक कृषियों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ें ये है, जैसे पुरातत्वविदों के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि शुरुआती टाइम में जो कृषक और पशुपालन होने के लोगों के साक्ष्य मिलते हैं, ये हमारे पुरातत्वविदों ने बताए। पुरातत्वविद कौन होते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये सब चैप्टर आपके 2 में था और मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये सब में कोई डाउट है तो आप पिछला चैप्टर देख लीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये चीज़ें अगर UPSC की प्रिपरेशन आप सीरियसली कर रहे हैं, तो जो भी हम वीडियो बनाया करें वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होते हैं, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोगों का जो मन होता है आप वो देखते हैं, जो मन नहीं होता वो नहीं देखते, तो प्लीज़ आप ऐसा मत किया करिए। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा चाहते हैं तो आप करिए, वरना अगर आप बीच बीच से पढ़ाई करते हैं, बीच बीच से पढ़ाई देखिए कुछ नहीं होती। आपको एक सब्जेक्ट उठाइए, उसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो सब्जेक्ट है फिर उसके क्वेश्चंस उठाइए, एक कोई चैप्टर कंप्लीट कीजिए उसके क्वेश्चंस उठाइए, वही एक अच्छे से तैयारी होती है, और तभी आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। वरना आपने कोई एक सब्जेक्ट उठाया,
पूरा रीड कर लिया जैसे हम बचपन में करते थे, रट टाइप लिया, फिर दूसरा चैप्टर उठाया और हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन हो गई। नहीं, आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट कितना आप लोगों का प्रिपेयर हुआ है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा से बताना चाहती हूँ, जो हमारा एक UPSC के लिए कोर्स भी चलता है, जो स्टूडेंट्स जैसे कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो बच्चे हैं अभी लॉकडाउन के चलते कोचिंग ज्वाइन भी किए हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, तो उनके रिवीजन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसकी फ़ी 500 है। बहुत नॉर्मल फ़ी है, हर कोई पे कर सकता है, तो आप लोग चाहें तो पे कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को UPSC में GS का जितना भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं PT और मेंस, वो दोनों के आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप लोगों को ऑप्शनल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जिसका जो भी ऑप्शनल है, अगर हमसे वो भी हो पाया तो हम प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को बहुत ही मिनिमम फीस में। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो शुरुआती में पशुपालन और कृषक होने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसमें पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यानी आधुनिक कश्मीर और पूर्वी के दक्षिण भारत में सबसे पहले साक्ष्य हमें मिले गए थे। उसी में कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां मिली थी। इसी चीज़ को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या करना स्टार्ट किया, खुदाई करना स्टार्ट किया, जिसमें पौधों और पशुओं की हड्डियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविद यही तो करते हैं, जिसमें उन्हें जिस चीज़ में डाउट होती है वो उस चीज़ को खोद कर नीचे से ज़मीन से साक्ष्य निकालते हैं, क्योंकि और जो साक्ष्य हैं वो हमारे इधर ऐसे तो पड़े नहीं मिल जाते, उन्हें भी काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो उन्हें क्या है, जले हुए अनाज के कुछ अवशेष भी मिले थे, या फिर उन्होंने इस बात से ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ये आग थी, तो हो सकता है गलती से जल गए हों, या हो सकता है कि इन पीपल्स के पास एक्स्ट्रा रहे हों, या यूज़ ना हो या ख़राब हो गए हों, तो खुद ही लोगों ने जलाए हों। उसके बाद हमें वैज्ञानिकों ने एक और अनाज के दानों की पहचान की, जो हमें उपमहाद्वीपी के अलग अलग फसलों में उगाई जाती थी या अलग अलग क्षेत्रों से मिले। अब कुछ हम अनाज और हड्डियां देख लेते हैं और पुरा स्थल देख लेते हैं कि कहां कहां से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो अगर अनाज और हड्डियों की बात करें तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी मेहरगढ़ आज के आधुनिक पाकिस्तान में मिले हैं। उसके बाद चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोलडीहवा यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले हैं। उसके बाद चावल, मवेशी, मिट्टी के खुरों के निशान, ये महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले हैं। उसके बाद गेहूं और दलहन, ये गुफक्राल आधुनिक कश्मीर से मिले हैं। उसके बाद गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर से मिले हैं। उसके बाद गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिरांद आधुनिक बिहार से मिले हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से। ये पूरा स्थल हैं और जगह हैं जहाँ जिन जिन जगहों की खुदाई की गई है वहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। तो ये आप लोगों को पढ़नी है, ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उसे ही सोचते हैं कि यार ये फालतू में इतनी बड़ी लिस्ट दी हुई है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं, और उसे स्किप कर देते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उसके बाद काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुगर, ये पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। और इन्हीं से कुछ अनाज और हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं, जो इतने ही हमें अच्छे से साक्ष्य मिल पाते हैं। देखिए बहुत सारे जो आप साक्ष्य हैं या जो हिस्ट्री में जो चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी सारी विवादित होती हैं, तो उसमें जो डेट्स वगैरह है वो ज़्यादातर जो डेट्स हैं वो आपको NCERT की डेट्स फॉलो करनी है, क्योंकि NCERT के जो बुक्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑथराइज्ड बुक हैं, तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो वो ऑथराइज्ड है। काफ़ी बार इस स्टैंडर्ड बुक में डेट कुछ और होती है और NCERT में बुक डेट कुछ और होती है, तो अगर आपको NCERT में डेट कुछ और मिले और स्टैंडर्ड बुक में डेट कुछ और मिले तो आपको फॉलो NCERT की डेट को करनी है, बिकॉज ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड होती है।
उसके बाद स्थायी जीवन की ओर, जिसे लोग जो थे वो स्थायी जीवन की तरफ प्रवेश करने लगे थे। स्थायी जीवन की तरफ मतलब अब जो लोग थे वो एक ही जगह बसने लगे थे। लोग पुरातत्वविदों को खुदाई करते के समय कुछ झोपड़ियों के भी निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान में कश्मीर में है। यहाँ जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। यानी जो कश्मीर के लोग थे वो स्थायी जीवन बिताने के लिए गड्ढे के नीचे अपना घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवास कहते थे। अब गर्तवास में जाने के लिए या उतरने के लिए उसमें सीढ़ियाँ होती थी, और इसमें इसका एक और रीज़न ये भी था कि इसे ऐसे इसलिए बनाया जाता था क्योंकि इसमें ठंड के मौसम में क्या मिलती थी, सुरक्षा मिलती थी। अब सुरक्षा कैसे मिलती थी, जो लोग थे उसमें ठंड में ऊपर क्या है हवा चलती रहती है, अब नीचे गड्ढे टाइप में बनाकर उन्होंने खोद कर घर बनाया। अब ऊपर से तो वो पूरे तरीके से बंद हो जाता है, और झोपड़ियों के क्या है अंदर और बाहर दोनों स्थानों में आग जलाने की जगह मिली है। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब कैसे, आग के साक्ष्य मिले हैं हमें, घर के अंदर भी मिले हैं, घर के बाहर भी मिले हैं। अब गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवाएं वगैरह चलती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है ह्यूमंस ने घर के अंदर खाना बनाना स्टार्ट किया हो। गर्मियों में इतनी ज़्यादा हवाएं नहीं चलती हैं और बरसात में बारिश होती है, तो इसलिए हो सकता है। तो इन्होंने अपने अनुकूल चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे जैसे जो लोग थे वो अपने अनुकूल जैसे जैसे चीज़ें करते जा रहे थे, तो लोगों का जो जीवन था वो स्थायी होने लगा था। यहाँ पे कभी काफ़ी सारे हमें पत्थर के औजार भी मिले हैं। इसमें कई सारे जो पाषाण युगीन उपकरण हैं और कुछ उनसे अलग हैं। अब जो पाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं उन्हें नवपाषाणीन युग का औजार माना गया। अब कैसे औजार इन्हें माना गया या कैसे डिफरेंट है, तो पुरापाषाण काल में जो औजार होते थे उसमें ये जो औजार हैं उनकी धार जो है वो अधिक पैनी है, और इनके ऊपर क्या किया गया है, पॉलिश चढ़ाई गई। यानी पहले उपकरणों में पॉलिश नहीं चढ़ाई जाती थी। उसके बाद ओखली और मूसल का भी प्रयोग किया गया है अनाज कूटने और वनस्पतियों को पीसने के लिए। मूसल और ओखली, ओखली तो खैर हर किसी ने सुना होगा, मूसल अगर नहीं सुना होगा तो मूसल भी एक इसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इससे मसाले वगैरह या बीजे पीसे जाते हैं। तो इन्होंने आज से हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग पीसने के लिए किया जाता है, प्रेजेंट टाइम में भी किया जाता है। खैर अब इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि मूसल की जगह जो है वो मिक्सर ने ले लिया। आज में प्रेजेंट टाइम में आपके पास मूसल वगैरह गांव में हो सकता है आप लोगों को दिख जाए, बट शहरों में लोगों के पास वही मिलेगी। लेकिन मूसल का एक छोटा सा रूप अगर आप देखेंगे तो आज भी हम लोग घर में रखते हैं। चाय में अगर अदरक डालनी है तो अदरक कूटने के लिए, लहसुन कूटने के लिए हम लोग रखते हैं, तो उसका ही समराइज कह सकते हैं, एक छोटा सा रूप कह सकते हैं। तो वो मार्केट में आने लगा है। तो जैसे कहते हैं ना, जो ट्रेंड होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जो पुरानी चीज़ें थी उसी में न्यू चीज़ें बदल बदल कर वो दोबारा से आ जाती है। तो सेम अगर मूसल देखा जाए तो वो भी आज के ज़माने में भी है। उसके बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए भी किया जाता था क्योंकि पहले चक्की नहीं थी और लोग जो थे वो धीरे धीरे रोटियां भी बनाने लगे थे, तो इसीलिए अनाज पीसने के लिए भी किया गया। और प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण जो है वो लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए थे, यानी ये तो फेमस है कि पत्थरों से बनाए जाते थे, लेकिन कुछ औजार उससे भी बनाए जाने लगे। और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसमें ये चीज़ें अलंकृत की गई हैं। ये वो पत्थर हैं या कह सकते हैं औजार हैं जो उस टाइम पे बनाए गए थे। उसके बाद सामान को रखने के लिए धीरे धीरे लोगों ने बर्तनों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। और बर्तनों के प्रयोग में सबसे पहले लोगों ने मिट्टी के बर्तनों को स्टार्ट किया। मिट्टी के बर्तनों में जैसे लोगों को चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज थे जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को रखने होते थे अपने साथ, तो लोगों ने इस टाइप की ये जो बर्तन है ये बनाने स्टार्ट किए। धीरे धीरे लोग जो थे पहले वो पत्तियाँ वगैरह या ऐसे खुले में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कपड़े बुनने भी स्टार्ट किए। इसके लिए उन्होंने कपास के पौधे लगाने स्टार्ट किए क्योंकि
कपड़े बुनने हैं, कपड़ों की आवश्यकता है, तो कपड़े बुनने के लिए हमें कपास की धागे की भी आवश्यकता होगी। तो लोगों ने कपास के पौधे लगाना स्टार्ट किए। अब ये जो परिवर्तन थे वो जगह जगह हो रहे थे, यानी पहले की देखिए कितना चेंजेस आ रहा था, हमने तीन ही चैप्टर में कितना ज़्यादा चेंजेस पढ़ लिया। पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, भोजन इकट्ठा करने के लिए इधर से उधर भटकते थे, और क्या करते थे, ये दो तीन बार मैंने जो बोल दिया वो मुझे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं लाइव क्लास नहीं ले रही हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोगों को नहीं बताना है, यहाँ मुझे ही बताना है, क्योंकि आप लोग मेरी चीज़ें नहीं सुन, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो नहीं सुन पा रहे हैं, या मुझे क्वेश्चंस नहीं दे सकते हैं, तो चलिए हो जाती हैं गलतियाँ। उसके बाद ये लोग स्त्री पुरुष जो थे वो शिकार करना स्टार्ट कर दिए थे, भोजन संग्रह करना स्टार्ट कर दिए थे, मौसम के अकॉर्डिंग रहना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अब जो धीरे धीरे थी लोगों का जो जीवन था वो स्थायी होने लगा था, लोग एक जगह बसने लगे थे। अब जैसे अन्य रीति रिवाज, अब जो लोग थे कुछ विद्वानों ने किसानों के बारे में भी अध्ययन किया है, इसमें कृषि और पशुपालन दोनों का समूह था जिसे हम जनजाति कहने लगे। अब जो जनजाति होती है उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो हमसे पूरी तरह अलग होते हैं। अब जो जनजाति है ये देख लेते हैं, जनजाति ये जो वर्ड है वो आखिर है क्या। जो जनजाति है वो लोग जो थे वो छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, ज़्यादातर जो परिवार थे वो एक दूसरे से संबंधित होते थे, और इन्हीं तरह के परिवारों के समूह को मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं, यानी एक जनजाति बन जाती है। इसमें जो जनजाति के जो लोग थे वो शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। बहुत सारी महिलाएं जो थी वो खेती का कार्य करती थी, और इसमें बीज बोने, पौधों की देखभाल से लेकर फसलों को काटने तक का काम जो थी वो महिलाएं करती थी। बच्चे जो होते थे वो भी पौधों की देखभाल करते थे, चिड़ियाओं और जानवरों को दूर भगाते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद इन्होंने बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिया था, टोकरियां बनाने, औजार, झोपड़ियां, ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट कर दिए थे। लोग जो थे वो जानवरों को भगाने के लिए उन्होंने औजारों का निर्माण करना चालू किया, पौधों और फसलों को बनाना चालू किया। उसके बाद सारी चीज़ें ये स्टार्ट हुई घरों उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ों का भी डेवलपमेंट किया, गाना, नाच और घरों की सजावट, जो लोगों की लाइफ में एक अहम हिस्सा हो गई थी। उसके बाद कुछ व्यक्तियों को अपना इन्होंने नेता भी मान लिया, जैसे वे उसमें नेताओं में इनके कौन होते थे, अनुभवी व्यक्ति होते थे, अनुभवी जो वृद्ध हो जाते थे, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते थे। काफ़ी वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। यानी अब इसमें एक चीज़ और नई डेवलप हो रही है, नई रीति रिवाज आ रहे हैं कि अब लोग जो हैं वो अपना नेता, अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं, कि ये ही क्या होगा, डिसाइड करेगा कि आगे क्या चीज़ें होंगी, क्या सही हो रहा है, क्या गलत होगा। लोग जो थे जनजातियों में सांस्कृतिक परंपराएं भी स्टार्ट होने लगी, इनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां भी, चित्रकार, और फिर धीरे धीरे देवी देवताओं भी होने लगे। तो ये इनका विकास था अर्ली ह्यूमंस का जो धीरे धीरे हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी, ये इन्होंने पूरे करने की संपत्ति मानी जाती थी। मतलब इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने सुना होगा सामाजिक संपत्ति, जैसे रेलवे और बस स्टैंड्स, ये सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, किसी की पर्सनली नहीं होती हैं। जैसे आपने सुना होगा, ये लैंग्वेज तो खैर बहुत ज़्यादा बुरी है, आपने बहुत जगह सुना होगा, जैसे रोड में कोई चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा जगह एक्वायर कर लेता है, तो लोग बोलते हैं भैया तुम्हारे घर की सड़क थोड़ी है, या तुम्हारे पिताजी की सड़क थोड़ी है। खैर ये वर्ड बहुत ज़्यादा गलत है जो लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि लोग ऐसा करते हैं। तो अब इसमें क्या होता था, जो ज़मीन है, जंगल है, घास के मैदान हैं, ये सभी की, यानी पूरा जो गांव होता था, पूरा जो कस्बा होता था, उसकी संपत्ति मानी जाती थी, जिसका उपयोग एक साथ करते थे। इसमें गरीब और अमीर के बीच कोई अंतर नहीं पाया जाता था, इसीलिए जो जनजातीय समाज है वो सभी समाजों से भिन्न होता है। यहाँ पर लोगों में भेदभाव नहीं होता है, लोग एक समान होते हैं, और जो
लोगों की लाइफ होती है वो भी बहुत सीमित होती है। उसके बाद सूक्ष्म निरीक्षण, अब कुछ चीज़ों का निरीक्षण किया गया है कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं वो पाई गई हैं वो आखिर कैसी हैं। तो मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु की बात की गई है। इसमें आपको मेहरगढ़ ढूंढना है, वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो छोटे बच्चों जो 6th क्लास की NCERT है उन बच्चों के लिए दिया गया है। तो ईरान में अगर ईरान जाना था उस समय, तो ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो बेलन दर्रे से होकर जाता था, और मेहरगढ़ वही स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यानी मेहरगढ़ में लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और जानवरों में भेड़ और बकरी को पालना सीखा था। और अगर ईरान हमें जाना है तो यही बेलन दर्रे का बेलन दर्रे से होते हुए सबसे एक आसान तरीका। उसके बाद इन्होंने जब पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खुदाई की तो उन्होंने उन्हें अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ मिली। अलग अलग जानवरों में हिरण, सुअर, ये जंगली जानवर है जिनकी हड्डियाँ मिली हैं। उसके बाद में इन्हें भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। इसमें मवेशियों की हड्डियाँ मिलने के कारण ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को भी पालने लगे थे, तो ऐसा हमें मिलता है। उसके बाद मेहरगढ़ में इसके अलावा आयताकार घरों के भी अवशेष मिलते हैं, और प्रत्येक घर में 4 से ज़्यादा कमरे हैं। कुछ कमरे जो थे वो भंडारण के लिए काम आते थे। उसके बाद ये जो है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले और बाद का स्तर कि इसमें क्या क्या चीज़ें। उसके बाद मृत्यु के बाद, अब देखिए जैसे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, सामान्यतः क्या किया जाता था, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक यानी जो इंसान की डेथ हो जाती थी उसके जो सगे संबंधी यानी जो रिलेटिव हैं वो उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ऐसा लोगों का मानना था कि अगर कि कोई इंसान मर जाएगा तो उसके बाद भी वो जन्म लेगा, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो ये लोगों का विश्वास था, इसी कारण रखे जाते थे। और मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारी कब्रें मिली हैं जिसमें एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया कि दोबारा से जन्म होना है तो वो इंसान जो मर गया है तो जब वो परलोक में जाए तो उसके अगर कुछ खाने के लिए ना मिले तो बकरी को साथ में दफना दिया गया ताकि अगर उसे खाना हो तो वो बकरी को खा ले। ऐसी लोगों की मान्यताएँ थी। ये देखिए, ये मेहरगढ़ के कब्र का चित्र है जो इस तरीके से बनाया गया है। ये लोगों का कंकाल है और उसके साथ बकरी को दफनाया गया है। उसके बाद ये इस तरीके से ये जो 4 कमरे हुआ करते थे घर में, ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। शायद में भी ऐसा दिखता रहा हो, ये लोगों ने अनुमान करके लगाया है। उसके बाद दाऊजली हैंडिंग को आपको मानचित्र में ढूंढना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो पूरा स्थल है वो चीन और म्यांमार के रास्ते में जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर है। यानी जो दाऊजली हैंडिंग है वो चीन और म्यांमार के रास्ते में एक ब्रह्मपुत्र की घाटी पड़ती है, वहाँ पर है। और यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के कुछ उपकरण भी मिले हैं, या हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। इसमें ये भी चीज़ पता लगाया गया कि यहाँ के जो लोग थे वो भोजन के लिए अनाज उगाते थे, और साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। तो ये एक नई चीज़ मिली है। तो संभवतः लोगों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो पत्थर है वो मे बी चीन से आया होगा। उसके अलावा यहाँ के पूरा स्थल में काष्ठास्मम यानी प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई थी, उसके भी औजार और बर्तन मिलते हैं। तो जो काष्ठास्म है वो एक तरीके की प्राचीन लकड़ी थी जो काफ़ी ज़्यादा सख्त बन गई थी। उसके बाद कुछ और चीज़ें आपके इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नेक्स्ट में क्वेश्चन है, वो जो 6th क्लास के बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोगों से अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर किसी दिन कोई टॉपिक ना भी आप लोगों को मिल पाया करे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके कारण जो टॉपिक है वो नहीं मिल पाता या मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लिया करिए, क्योंकि हमारी भी कुछ थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो कभी कभी बीच बीच में हो जाती हैं, तो उन्हें भी देखना ज़रूरी होता है। चलिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक।